IHM रांची द्वारा होटल कैपिटल रेसिडेंसी में रेशम मार्ग पाक कला एक पाक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जो कि एक महीने का रहेगा। यहां पे विभिन्न तरह के पकवान इंस्टीट्यूट के छात्रों द्वारा बनाया भी जाएगा और परोसा भी जाएगा। इस पाक कला में लोग आएंगे और विभिन्न प्रकार के भोजन का स्वाद ग्रहण करेंगे। इसमें चाइना से लेकर के यूरोप तक के पकवान का परोसना और लोगों के लिए यहाँ पे इस तरह के एक ही छत के नीचे सारा मिलना अपने आप में आकर्षण का केंद्र रहेगा। और यह फूड फेस्टिवल जो है एक माह का पहली बार रांची में मनाया जा रहा है। लोग इसमें आएं और इसका लुत्फ उठाएं। फूड फेस्टिवल आज से स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से और यह 28 अप्रैल तक चलेगा और हर हफ्ते ये संडे तक चलेगा। मंडे से नया मेन्यू आ जाएगा। पहला हफ्ता हम लोग चाइनीज़ फूड फेस्टिवल कर रहे हैं इसके अंदर। दूसरे हफ्ते में हम लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कुजीन का फूड फेस्टिवल कर रहे हैं जो कि आपका पूरा कश्मीर अफगानिस्तान इन सब जगहों का खाना सर्व करेगा। फिर हम थर्ड वीक में मेडिटेरियन फूड फेस्टिवल कर रहे हैं जहाँ लेबनान इजिप्ट टर्की इन सब जगहों का खाना सर्व करेंगे। और उसके बाद हम लोग लास्ट वीक में कॉन्टिनेंटल जो यूरोप का खाना है वो एक हफ्ते के लिए सर्व करेंगे। ये सिल्क रूट का कॉन्सेप्ट वही आया कि पहले जो सिल्क रूट का व्यापार होता था तो यूरोप से लेके लोग पूरा ट्रैवल करते हुए चाइना तक आते थे अपना सम स्पाइसेस वगैरह लेकर और यहाँ से सिल्क वगैरह लेके जाते थे, इसलिए इसका नाम सिल्क रूट पड़ा था। तो उसी को हम लोग डिपिक्ट कर रहे हैं कि कैसे खाना में बदलाव आया, वो क्या लेकर आए और यहाँ से वो क्या सीख कर गए। फ़ायदा लोगों से, लोगों को फ़ायदा ये होगा कि डिफरेंट क्यूजींस ऑफ द वर्ल्ड, वो लोगों को आइडिया मिलेगा, एक ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा। लोगों को ये पता चलेगा कि हर एक प्रांत में, जैसे पूरे जो सिल्क रूट में है, चाइनीज़ फूड में बहुत सारी डिशेज ऐसी है कि जो हम लोग रेगुलर फूड, लोगों को पता है चिकन चिल्ली, पनीर चिल्ली और यही सब पता है, लेकिन बाकी जो है चाइनीज़ फूड इज़ काफ़ी वास्ट है। हर कंट्री का अलग अलग फूड जो क्यूजीन है उसके पूरे डिटेल्ड इन्होंने रिसर्च करके उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्ड ऑफ माउथ से ही आएंगे। उन्हें जो अच्छा लगेगा, जो पहली बार यहाँ खाएंगे तो उनको पता चलेगा कि हर जगह से अलग क्या खाना है। टेस्ट से तो लोग अपने दूर दूर से खींचे चले आते हैं। एक्चुअली हमारे बच्चे डिवाइडेड हैं, जितने हम स्टूडेंट्स हैं IHM से, वो 15-15 के ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं पर वीक, जो कि यहाँ पे सर्व करेंगे और किचन में कुकिंग करेंगे। एंड हमारे जितना भी डिशेज़ है वो मेन्यू डिज़ाइंड है, वो हमने खुद डिज़ाइन किया है। ये मेन्यू हमारा खुद का डिज़ाइन मेन्यू है। प्लस जी, सबसे पहले तो मेरा नाम अंकित है, मैं IHM रांची से हूँ। और इस तरह का जब भी हमारा कोई फूड फेस्ट या कुछ ऐसा होता है तो जो भी हमारा प्रिपरेशन होता है, पहले जैसे मेन्यू डिज़ाइनिंग हो गया, प्री प्लानिंग जो भी होती है, उससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि ऑथेंटिक डिशेस और उससे इंस्पायर्ड मॉडिफिकेशन किया हुआ है। उसके बाद हम इन्वॉल्व रहेंगे किचन में 1 महीने के लिए, तो जो बच्चे किचन में काम करेंगे, जो सर्विस में काम करेंगे, वो एक अलग तरह का एक्सपोजर मिलता है फूड फेस्ट में, क्योंकि ये एक